हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम बीएड की परीक्षाएं कब तक होगी दोस्तों, इसको लेकर एक न्यूज़ आई थी। लेकिन क्या है इस न्यूज़ की सच्चाई? और दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको जो परीक्षाओं को लेकर बताया गया है, वो परीक्षाएं किन के लिए हैं और कब दोस्तों परीक्षाएं आयोजित होगी, सेमेस्टर और एनुअल यानी जो ईयरली स्टूडेंट होते हैं उन सब के बारे में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो दी गई है दोस्तों, आप उसको ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से संबंधित जितने भी कोर्स हैं यानी सभी कोर्सेज की न्यूज़ वो दोस्तों एग्जाम संबंधित हो, सारे एग्जाम फॉर्म टाइम टेबल जो भी हो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में है। तो दोस्तों, जनरल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में फिलहाल तो आपके परीक्षा फॉर्म है वो दोस्तों चल रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि है वो दोस्तों 19 जनवरी 2023-24 कर दी गई है, यानी 19 जनवरी 2024 कर दी गई है रेगुलर यूजी पीजी और सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म की अंतिम तिथि। और आपको हार्ड कॉपी है वो दोस्तों 31 जनवरी तक जमा करवानी है और आवेदन में आपको एबीसी आईडी और आधार कार्ड का नंबर है वो उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके नीचे ही एक दोस्तों न्यूज लिखी हुई है और ये न्यूज पेपर 3 या 4 दिन पहले का है। तो दोस्तों, इसमें लिखी गई है कि परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में संभव है और इसमें लिखा गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म की तिथि बढ़ाए जाने से अब फरवरी के पहले सप्ताह के बाद ही मुख्य परीक्षाएं होना संभव है। हालांकि अमूमन संकायों में जनवरी के अंतिम सप्ताह से ही दूसरे सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है। अधिकतर संकायों में मिड टर्म परीक्षा व प्रेजेंटेशन से चुके विद्यार्थियों को भी मौका देने का निर्णय भी ले लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि आपके जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं दोस्तों है वो इसमें लिखा है कि सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो आपके अंतिम सप्ताह से शुरू की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अंतिम सप्ताह तक आपकी शुरू नहीं की जाएगी क्योंकि आपकी परीक्षा है वो दोस्तों फरवरी के पहले सप्ताह के बाद यानी लगभग फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही आयोजित करवाई जाएगी, वो भी सिर्फ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम के, उनके लिए ही दोस्तों फरवरी के लगभग सेकंड सप्ताह में आपकी परीक्षाएं शुरू करवाई जा सकती है। और जो ईयरली स्टूडेंट है यानी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट है उनकी परीक्षाएं दोस्तों फिलहाल नहीं होगी, फरवरी में भी नहीं होगी। आपकी परीक्षा है वो दोस्तों हर साल की तरह मार्च अप्रैल में ही होगी, उससे पहले आपकी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी क्योंकि जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनकी साल में 2 बार परीक्षाएं करवानी है। तो दोस्तों, इसकी परीक्षाएं फरवरी में आयोजित करवाई जाएगी, वो भी दोस्तों फरवरी के दूसरे सप्ताह में करवाई जाएगी। पहले सप्ताह में भी दोस्तों संभव नहीं लग रहा है, तो दूसरे सप्ताह में सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी, प्राइवेट और रेगुलर दोनों की एक साथ होगी। और जो स्टूडेंट ने रेगुलर और प्राइवेट में ईयरली एडमिशन लिया है उनकी परीक्षाएं दोस्तों आपके मार्च अप्रैल में ही होगी, उससे पहले आपकी परीक्षाएं नहीं होगी। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चला तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।